कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हेडिंग लिख लो सब लोग सुंदर तरीके से, लिखो हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ देखो तरंग ने लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है कम से कम चैप्टर की शुरुआत तो अच्छे से की जाए, ठीक है। इसके बाद देखो ये दो कुल मिला के कोई भी नंबर ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, पहले ही से मैं इसको दो भाग में बांट दे रहा हूं, दो पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट, एक पार्ट होता है उसका नाम होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी आया कहां से, आया था भैया क्वाड्रेटिक से ही है। क्वाड्रेटिक में जब आपका अंडर रूट के अंदर जब सिद्धाचार्य फार्मूला लगाते हो तो सिद्धाचार्य फार्मूला में आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। जब वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो प्रॉब्लम बढ़ गई थी, उसके बाद से ही कॉम्प्लेक्स नंबर का इजाद हुआ, लोगों ने सोचना चालू किया कि इसको कुछ और लिखें। तो ये आया कैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जो इमेजिनरी है इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको जनरली बोला जाता है क्या आयोटा, ठीक है इसको बोला जाता है आयोटा। होता क्या है जैसे देखो कि अगर अपने पास अंडर रूट में a इंटू बी है तो आप सब जानते हो कि ये अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b हो जाएगा। क्या आपका ये माइनस a, अरे भैया भी तो लिख सकते हैं लेकिन आप अलग अलग तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़ सकते हैं, रियल में तो नहीं तोड़ सकते लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़ सकते हैं। अच्छा जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़ा तो यहाँ पे ये देखो आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक निगेटिव के बराबर, फिर निगेटिव प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो कभी भी ये काम अंडर रूट को निगेटिव के पार्ट में नहीं तोड़ता है। अरे बात समझ में आ रही है ना, तो ये तो मतलब कहीं मिल जाता है। अब दूसरी बात यह है कि ये जब आई स्क्वायर, यानी आपको ये बात क्लियर है, जैसे मान लो ये अगर आया तो इसको कोई लिखने लिखेगा तो ऐसे लिख सकता है कि ये लिख सकता है कि अंडर रूट में ए इंटू आई और अंडर रूट में बी इंटू आई। कहने का मतलब ये है कि माइनस वन ये रियल पार्ट इसका जो होता है, जैसे मान लो कोई भी, जैसे आप लिखे हम पांच लिखे हैं, सात लिखे हैं, बारह लिखे हैं, ये सब चीजें रियल पार्ट कहलाती है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई वाला पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं या उसको इमेजिनरी कहते हैं। अब इसमें से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आई की जो वैल्यू है, जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है इसकी होती है माइनस वन, यानी ऐसे हम कह सकते हैं पहले नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अंडर रूट में माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे नंबर पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, तीसरे नंबर पे आई क्यू की वैल्यू क्या हो गई, आई स्क्वायर इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आई, तो ये आ गया आपका माइनस आई। फिर तीसरा चौथे नंबर पे आई की पावर फोर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन मतलब क्या हो गया प्लस वन। अरे बात समझ में, अरे वैसे यहीं पे एक काम कर देते हैं, एक काम कर देते हैं पांचवें नंबर पे कि सबको जोड़ देते हैं आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर फोर, ये सबका सम देखो आई, इसको ये आई से माइनस आई कटा, प्लस वन से माइनस वन कटा और कट के आपका आ गया जीरो। इसका मतलब हमेशा ये बात रहेगा कि फोर कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आई, फोर कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आई इज सम ऑफ, सॉरी एक चीज छूट गया हमें इसमें, सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आई सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव नहीं 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 अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं सब इमेजिनरी पार्ट में जा रहा है, गलती नहीं करना है कि रियल पार्ट में, चूंकि जगह की वजह से मैंने ऐसा लिखना चालू कर दिया। सर आप फोर रियल तो इतना देर से पढ़ते ही आ रहे हैं, शुरुआत से पूरा क्वालिटी रियल पढ़े हैं, आगे सब पढ़े हैं, अब तो कॉम्प्लेक्स बस पढ़ेंगे।
सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू हमेशा होता है जीरो। यानी छठे नंबर पे देखो जरा, छठे नंबर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आई की पावर फोर के प्लस आई की पावर फोर के प्लस वन प्लस आई की पावर फोर के प्लस टू, ये फोर है, प्लस आई की पावर फोर के प्लस थ्री हमेशा होगा जीरो। देखो ये चार लगातार पावर है क्या, फोर के प्लस वन एक पावर बढ़ रही है, फिर फोर के प्लस टू एक और पावर बढ़ गई, फोर के प्लस थ्री एक और पावर बढ़ गई, चार लगातार पावर का सम हमेशा क्या आएगा जीरो। बात समझ में आ रही है। सातवें नंबर पे आते हैं, देखो हमेशा आप ये याद रखना कि i की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई है, तो किसे भी मतलब i की पावर n को यानी फर्स्ट ब्रेक n इंटू मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल में पहले ब्रेक कर लें, मल्टीपल ऑफ 4 और उसको आप बना लें कि आई की पावर मतलब n, मान लो कि आपने 4 के मल्टीपल में बनाया और ये कुछ k प्लस r टाइप का आ गया, तो आप लिख लें कि आई की पावर n को लिख लें आई की पावर 4 k प्लस r, और हमेशा लिख सकते हैं आई की पावर 4 k इंटू आई की पावर r, और आई की पावर 4 k हमेशा होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू आई की पावर r, सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लेना रहेगा, ठीक है, सिर्फ रिमाइंडर की वजह। जैसे मान लो कि आपके सामने कभी ये पूछ दे कि आई की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी, आई की पावर 99 पांच आठवें नंबर पे, आई की पावर 99, आई की पावर पहले हम 99 को चार के टर्म में तोड़ेंगे, चार के टर्म में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें आप दो से गया ये और कितना आया एक और नौ, तो 16 24, और इसमें तीन बच रहा है, कितना बच रहा है 24, तो 24 इंटू चार प्लस तीन, 24 चौके 96 प्लस 3 99, तो इसको लिखेंगे i की पावर 4 इंटू 24 इंटू प्लस 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 24 इंटू आई की पावर 3। अब यहां से हम इसको यही बात लिख सकते हैं कि ये वैल्यू तो पूरा 1 हो गया, 1 इंटू आई की पावर क्यू की वैल्यू, अब याद रख लेना भाई कि माइनस आई है, यानी फाइनल आंसर माइनस आई, क्या याद रखेंगे आई की वैल्यू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई क्यू की वैल्यू आई माइनस आई, और आई की पावर 4 इक्वल टू प्लस 1, ये इतना याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो आपसे एक और नाइन्थ नंबर पे पूछ दिया आई की पावर 492 का बताओ क्या वैल्यू आएगा, तो क्या करेंगे चार से भाग देंगे, चार से भाग देके देखो i की पावर 4 जब हम भागना चालू करेंगे तो एक बार आएगा, फिर आपका अच्छा i की पावर 0 आएगा, एक बार आपका एक बार जाएगा i 1 जाएगा, फिर यहाँ पे दो बार जाएगा तो इसमें एक बचेगा 3 123 सीधे सीधे वैल्यू 1 दे दिया, अरे आ रही बात समझ में। अच्छा दसवें नंबर पे जरा बताओ आंसर, मान लो ये लिखा गया i प्लस सिग्मा में आई आर इज इक्वल टू 1 से 11 तक आई की पावर आर प्लस आई की पावर आर प्लस 1, आंसर बताओ सिग्मा में आर इक्वल टू 1 से लेके 11 तक आई की पावर आर प्लस आई की पावर आर प्लस 1, निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस डॉट डॉट आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस डॉट 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 आई की पावर 11, यहाँ पे प्लस आपका ये हो गया दूसरा वाला आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस डॉट 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 आई की पावर 12, इसमें से चार चार का काउंट करो, ये चार बना लिया जीरो, चार तक जीरो बनाया, फिर आठ तक जीरो बनाएगा, फिर आठ के बाद बचेगा आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 11, ठीक है ना, फिर यहाँ पे बढ़ा जाएगा आपके सामने ये चार, दो से लेके आई की पावर 5 तक जीरो, फिर 6 7 8 तक जीरो, 8 नहीं 9 तक जीरो, ठीक है, फिर आपके पास बच जाएगा आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 11 प्लस आई की पावर 12, देखो 9 10 ये 9 10 और ये 11, ये 9 10 11 और 12, ये मिल गया सब क्या हो गया आपके सामने जीरो, ये दोनों बच गए,
आई की पावर 10 की वैल्यू हो जाएगी आई की पावर 4, आई स्क्वायर की पावर 4, नहीं आई की पावर 4 की पावर 2 इंटू आई स्क्वायर, और आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 11 की पावर आई की पावर 4 की पावर 2 इंटू आई क्यूब, यानी ये हो गया माइनस 1 माइनस आई, आंसर हो गया। ठीक है ना, अगला सवाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, अगला सवाल दे दिया, आई आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस डॉट 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 आई की पावर 2n, इसका वैल्यू बता। आई आई स्क्वायर आई क्यूब डॉट 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 आई की पावर 2n वैल्यू बता। लो जीपी से करो आप। ठीक है, क्या बन गया फर्स्ट टर्म? हाँ आई इक्वल टू आई कॉमन रेशियो आर इक्वल टू भी आई सम इज इक्वल टू, बिल्कुल ए इंटू होता है आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए की जगह पे यहाँ पे आई कहाँ पे इंटू है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, फिर ये हो गया आई की पावर टोटल 2n टर्म है माइनस वन अपॉन नीचे में है आपका आई माइनस वन, यहां से ये हो गया आई, और इसको मैं आई स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं माइनस वन अपॉन आई माइनस वन, यहां पे हो गया आई, ये हो गया माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन आई माइनस वन, बोलो बात समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कोई मान लो मैं सवाल लिख देता हूं, एक छोटा सवाल मान लो लिख देता हूं मैं, आई की पावर 577 प्लस आई की पावर 628 प्लस आई की पावर 776 फाइव और 766 प्लस आई की पावर 847 प्लस आई की पावर 985 अपॉन नीचे में मैं लिख दिया आई की पावर 566 प्लस आई की पावर 618, ठीक है ना, 618 प्लस आई की पावर 756, ठीक है ना, 7 ये आपका आई की पावर 757 कर देना, फिर 67 कर देना 18 या 56 प्लस ये आई की पावर 827 प्लस आई की पावर 975, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, करना 5 आई की पावर 557 कॉमन निकाल लेना, देखो कितना कॉमन हो रहा है, आई पावर 567 जो नीचे सोचो क्या करे। हाँ क्लियरली दिख रहा है कि इसमें अंतर माइनस ऊपर और नीचे में 10-10 का अंतर है, 28, 18, 66, 56, 27, 85, 75, 77, 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
67 प्लस आई की पावर 618 प्लस आई की पावर 756 प्लस आई की पावर 827 प्लस आई की पावर 975 और नीचे भी वही है, सबको दिख रहा होगा कि आई की पावर 567 प्लस आई की पावर 618 प्लस आई की पावर 756 प्लस आई की पावर 827 प्लस आई की पावर 975 ये पूरा एक दूसरे को काट दिया, आंसर आया आई की पावर 10। आई की पावर 10 का मतलब आई की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी आंसर हुआ इसका 1 इंटू माइनस 1, आंसर हो गया माइनस 1 फाइनली। और भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बहुत सारे सवाल बना सकते हैं ऐसे समेशन लगा के, अगर मान लो बनाने की इच्छा है तो एक और बना देता हूँ, देखो हाँ कराता हूँ, देखो ना मान लो एक और सवाल, मान लो ये है, ये रिप्रेजेंटेशन समझते हो आप लोग, आर इक्वल टू 1 से लेके 100 तक मान लो लिखा है आई की पावर आर, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका आई की पावर 1 पहला, फिर इसका इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, आगे बात समझ में, तो ये हो गया आई की पावर 1 इंटू आई की पावर 2 इंटू जैसे आर की वैल्यू रखते जाएंगे आई की पावर 3 इंटू आई की पावर 4 इंटू डॉट 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 आई की पावर कितना 100, बोलो सारा का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा
ठीक है, आई की पावर हो जाएगा आपका एक प्लस टू प्लस डॉट 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 हंड्रेड तक। अरे पावर बेस से मतलब पावर उड़ जाएगा, आई की पावर फाइव जीरो फाइव जीरो, सम इसका कितना हो जाएगा हंड्रेड इंटू वन एन एन प्लस वन बाई टू है ना। आई की पावर फिफ्टी फिफ्टी, चार से भाग देना चालू करेंगे, आई की पावर फोर, चार से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, वन जीरो टू बार जाएगा, टू और आपका फाइव छह बार जाएगा, वन जीरो टू बार जाएगा, इंटू दो रह गया रिमाइंडर, तो ये हो गया आपका वन इंटू माइनस वन, आंसर हो गया माइनस वन। बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्टीज पे सवाल ऐसे ही बनेंगे आपके सामने। हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एंट्री कर लेते हैं थोड़ा सा आज का लेक्चर खत्म होने से पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो क्या है, पहली बात कि इसको डिनोट किया जाता है जनरली, अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरली डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, जो सेट होता है इसके सेट को सी से डिनोट करते हैं, आ रही बात समझ में। लेकिन कैपिटल सी है वो, हाँ ना, बोल्ड सी है, बोल्ड सी है, देखो ऐसे है वो, इटैलिक नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, इतना इतना टाइम लगता है तो इसी को बचाने के लिए आईआईटी ने वो किया हुआ है। जो जेड होता है ना, ये जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिख रहता है, हमेशा ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो जेड नहीं, तो ये वाला जो जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ऐसे अगर जेड में लिखे, बोल्ड जेड लिखा जाए, ये बोल्ड जेड, तो ये इंटीजर हो जाएगा। बोल्ड जेड लिख दिया गया, नहीं मतलब बोल्ड ही, ये बस किताबों में ऐसा लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हमारा लिए ये आईटी देता है तो आईटी लिख देता है पहले कि नोटेशन, ऐसे बोल देता है कि नोटेशन ये अंदर ये यूज हुए हैं इसका ये मतलब है। आईटी में तो नोटेशन एनसीआर को ऐसे भी यूज कर लेता है, एन आर, हाँ बस, और वेलकम स्टार्टिंग में बोल देगा बस स्टार्टिंग, मतलब किसका मतलब है एनसीआर, या सिलेक्शन ऑफ आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग वो लिख देगा इसका, तो वो तो मतलब आईटी है अपना देता है जैसे उसकी इच्छा हो। तो डिनोटेड बाई जनरली जेड से, और इसमें लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, जहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों क्या होना चाहिए रियल नंबर। अच्छा इसमें जो जेड है ना, इसमें दो बातें लिखी जाती है, इसका जो ये वाला पार्ट है एक्स वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, बिल्कुल फटाफट इसको बस लिख देते हैं, इस वाई वाले को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब यह है कि रियल पार्ट, इसको डिनोट के नोटेशन क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो एक्स के बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एम जेड इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई की, इसको बोलते हैं जेड का इमेजिनरी पार्ट वाई हो गया, और ये सिर्फ इतना ही लिखते हैं, ये सिर्फ एक नोटेशन है ये, ठीक है ना। जरा इसमें दूसरी नंबर के बाद पे आते हैं, अगर एक रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब जेड बराबर क्या हो गया आई वाई, और जब आपके सामने आई लगा हुआ कोई नंबर आ जाए तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। जब इसमें प्योरली इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट है, रियल वाला पार्ट नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। थर्ड नंबर पे अगर मान लो कि रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो इस समय जेड की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ एक्स, और इसको बोलते हैं प्योरली रियल। क्या बोलते हैं हम ऐसा, क्योंकि इसका, अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो रियल होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहला सकती है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया जेड, अगर ये हो तो चौथे नंबर पे अगर रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही क्या हो गई,
अरे बात समझ में, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों का लगता है ना, जीरो जीरो मतलब प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों का लगता है ना, दोनों कह जीरो, हाँ जीरो मतलब प्योरली रियल भी है प्योरली इमेजिनरी भी है, ठीक है ना, दोनों ही नंबर है। तो ये चीजें हैं आपके सामने, ये मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स, हाँ मतलब प्योरली भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं कुछ भी, जीरो तो ऐसा चीज है कि जिसको कहीं भी आप लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, नोट डाउन हो गया, क्या सवाल, जेड इज इक्वल टू, बस एक सेकंड लगेगा, जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन टू साइन थीटा माइनस वन इज अ प्योरली रियल नंबर, और अगर ये प्योरली रियल बोल रखा है, प्योरली रियल बोल रखा है, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, और थीटा का जनरल सॉल्यूशन बोल रखा है, अगर जेड प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, इसका मतलब ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, और इसका इमेजिनरी पार्ट है टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया वन बाय टू, मतलब साइन थर्टी डिग्री, यानी थर्टी का मतलब थीटा बराबर पाई बाई आपका हो गया सिक्स, तो जनरल सोल्यूशन इसका लिखा जाता है जनरल सोल्यूशन जी एस इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आके लग गई पाई बाई सिक्स। सवाल ऐसे ही पूछते हैं इन सब में, ठीक है ना, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो आपका नहीं 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 नहीं, रियल के लिए, रियल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी लेंगे हमेशा कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा, तो हमेशा वैल्यू आएगा, तो कुछ भी थीटा की वैल्यू कोई वैल्यू लेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पे, फाइंड जेड सच दैट वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 जेड की पावर 17 इक्वल टू जीरो एंड 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 जेड की पावर 13 इज इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जेड का वैल्यू क्या होगी, या वो जेड का, हाँ जेड की वैल्यू क्या होगी हमको बताना है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जेड, स्टार्टिंग का एक दो लेक्चर जो होगा सुन लो अभी, स्टार्टिंग का जो एक दो लेक्चर होगा वो लेक्चर आपका रहेगा सिर्फ ये जेड को निकालना, यानी जेड के ऊपर सवाल, जितने कितने तरह के जेड के ऊपर सवाल बन सकते हैं वो सारी बातें यहाँ पर रहेंगी, उसके बाद क्योंकि जब आप सीट भी करने जाओगे ना तो वहां पे कठिन सवाल मिलेगा, ठीक है ना, हाँ जब सीट भी करने जाएंगे, हाँ बिल्कुल है, जब सीट करने जाओगे तो भी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी देखने को कि जेड पे ज्यादातर सवाल मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड कठिन कठिन सवाल जेड पे ही मिलता है वहां पे, ठीक है, तो पहले हम इसको जेड के ऊपर सारी बातें कर लेंगे उसके बाद हम आगे कब बढ़ेंगे, तो देखो पहला वाला तो क्लियरली दिख रहा है कि वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 जेड की पावर 17 जिस दिन ली जाएगी इज इक्वल टू जीरो, ये एक जेड है और ये एक जीपी है, इस जीपी का इक्वेशन, जीपी का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, क्या होता है, तो ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन, कुल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 18, अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जैसे हम लेके जाएंगे तो ये वन माइनस जेड की पावर 18 इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां से दिख रहा है जेड की पावर 18 इज इक्वल टू वन, यानी यहां से दिख रहा है जेड इज इक्वल टू एक आएगा प्लस माइनस वन, तो आएगा ही आएगा, बात समझ में आ रही है, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो अच्छा, दूसरा आपका यहाँ से वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट जेड की पावर 13 इक्वल टू जीरो है, इसका अगर हम जीपी से करें तो ये हो जाएगा ए और वन माइनस आर की पावर एन, कुल 14 टर्म है क्योंकि आर जेड की पावर जीरो से स्टार्ट हुआ है, अपॉन वन माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस जेड की पावर 14 इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से जेड इज इक्वल टू, यहाँ से भी आएगा जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो इन दोनों में से ऐसे लग तो ये रहा है कि जेड इक्वल टू वन भी सेटिस्फाई करेगा और जेड इक्वल टू माइनस वन भी आंसर होना चाहिए, लेकिन जैसे जेड इक्वल टू वन लेंगे तो ये वैल्यू आपका 17 या 18 दे देगा, बात समझ में आ रही है, और ये दे देगा आपका 13 या 14 दे देगा, लेकिन अपन जेड इक्वल टू माइनस वन लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों जगह जेड इज इक्वल टू माइनस वन एक ऐसी नंबर है जो दोनों जगह सेटिस्फाई करेगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। लिखो इफ जेड, हाँ दो तीन दिन तक नहीं, आज या कल अधिकतम कल तक, या फिर धीरे 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 चलता रहेगा ये। जेड प्लस जेड क्यूब इक्वल टू जीरो, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन ट्रीट सब एकदम बिल्कुल रियल की तरह ही होंगी। पहला ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो, दूसरा ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो, तीसरा ऑप्शन जो होगा इसका पूछ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, चौथा ऑप्शन पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। जरा फटाफट जवाब दो तो भाई क्या आएगा इसका। जेड प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो, जेड आपने कॉमन लिया होगा तो ये वन प्लस क्या बच गया अपने पास, अच्छा वन प्लस जेड स्क्वायर बच रहा है। तो यहां से दो बातें हो सकती है, तो जेड इक्वल टू जीरो या फिर वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, मतलब जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, एक पार्ट बन गया और ये जेड इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन होगा। अच्छा ये होता है, हाँ बिल्कुल ये होता है कि आपका जेड स्क्वायर जब लगा तो पहले प्लस माइनस आएगा, अब ये हो गया जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो यहां से देखो और यहां से ये दोनों अगर लिया जाए तो दोनों में ऐसा है वो जगह है जहां पे यहां पे भी ये जेड इक्वल टू ये है आपका एक्स प्लस आई वाई में, इसको मैं जीरो प्लस जीरो आई लिख सकता हूँ, जीरो आई लिख सकता हूँ, यानी इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे भी रियल पार्ट जीरो है, यहाँ पे भी रियल पार्ट जीरो है, और दोनों का अगर एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, यानी आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट जेड इज इक्वल टू जीरो। दोनों ऑप्शन को मिलाने के बाद फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन सच दैट एन प्लस आई की पावर फोर इज इंटीजर, ये एक इंटीजर हो जाए, इसके कितने एन की वैल्यू ऐसा मिलेगा जिससे कि ये वाली जो वैल्यू है वो एन प्लस आई की पावर फोर एक इंटीजर आ जाए। जरा फटाफट निकाल के बताओ क्या आंसर, एन प्लस आई की पावर फोर एक इंटीजर आ जाए, एन प्लस आई की पावर फोर एक इंटीजर, मतलब इस एन की ही वैल्यू बताना है, एन कोई भी रियल नंबर है ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी ये बताना है, कितनी ऐसी वैल्यू आएगी एन की जिससे एन प्लस आई की पावर फोर हमेशा एक इंटीजर आ जाए, ठीक है। हाँ कुछ एन की वैल्यू इमेजिनरी क्यों लोगे, इमेजिनरी तो ऑलरेडी आई है, एन की वैल्यू कोई रियल नंबर होगी और उसमें रियल में इंटीजर हो सकती है, कोई रियल हो सकती है, कोई रेशनल हो सकती है, वह कितनी वैल्यू आएगी ये बताना जिससे कि एन प्लस आई की पावर फोर आपका हमेशा एक इंटीजर आ जाए, निकालो एन प्लस आई की पावर फोर इंटीजर आ जाए। तो आप ऐसे सोचो ना, इस सवाल को n प्लस आई की पावर फोर को बोला है कि ये इंटीजर है, तो आप इंटीजर पे तो सोच में मत करो, ये इंटीजर तो बस बेवकूफ बनाने के लिए कहा, एक्चुअल में कहा है कि ये क्या है इंटीजर भी एक तरह की क्या होती है रियल नंबर होती है, और रियल नंबर होने का मतलब जो भी आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट को क्या पुट करना अपने को जीरो। तो यहां से हो गया ये n प्लस आई का जब हम होल स्क्वायर पावर फोर में अगर हम इसका होल स्क्वायर बस तोड़ेंगे का स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस टू एन आई माइनस प्लस आई स्क्वायर, और प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी माइनस वन, एक्चुअल में लिखा है एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन आई और पावर का होल स्क्वायर। फिर से एक बार और इसको ओपन कर दे, ए और बी मान लो, ए हाँ पूरे चलो इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो फिर से ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस प्लस आपका 2 इंटू टू एन आई इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, और तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा माइनस प्लस 4 एन आई टू एन आई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फाइनली आया क्या एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर प्लस 4 एन आई एन स्क्वायर माइनस वन, और इसका ही इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए जीरो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, यानी एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एन की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू वन, एन की वैल्यू माइनस वन, तीन वैल्यू आई यहां से, मतलब एन नंबर ऑफ वैल्यू इक्वल टू थ्री। अगला सवाल, यस सर रुक जाइए सर,
एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आई क्यू एक्स प्लस प्लस थ्री आई इज इक्वल टू जीरो वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू रियल नंबर वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू रियल नंबर ये रियल नंबर अगर है देन हैज इफ दिस वन हैज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक कहीं मिलेगी तो हमको कोई इसमें हिचकना नहीं है कि सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिला हुआ है तो कैसे सॉल्व किया जाए देन पी एंड क्यू की वैल्यू क्या होगी हैज सम इज इक्वल टू एट है सवाल में बोला हुआ है देन पी कॉमा क्यू क्या सवाल में बोला है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आई क्यू एक्स प्लस थ्री आई इक्वल टू जीरो में अगर इसके इसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स के स्क्वायर का सम आठ है तो पी और क्यू की वैल्यू बतानी है आपको अगर रूट्स के स्क्वायर का सम आठ है तो पी और क्यू की वैल्यू बतानी है तो ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल आप एज इट इज सॉल्व करना जैसे आप सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी जब तक कि कॉम्प्लेक्स की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ना लगे तब तक तो आप क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व करते रहो जब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगने वाली होगी तब हम कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी तो एज इट इज चलता रहेगा हाँ बिल्कुल करो मैंने कहा इसका रूट्स जो हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल करो 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 एक लाइन तो लिख ले वो सब दो रूट्स है अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा कितना इसका पी प्लस आई क्यू ठीक है ना और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस यानी प्लस बी आई और यहाँ पे शायद माइनस रहेगा ऐसे रहेगा ठीक है ना ये माइनस रहेगा सवाल में बोला है दिया है अल्फा स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 8 और इसको हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 बोलो लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा और ऐसा अगर लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मतलब पी प्लस आई क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये 3i 2 इंटू 3i इज इक्वल टू 0 अब यहां से आ गया अपने पास p स्क्वायर प्लस i स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2i pq फिर यहां पे प्लस यहां पे माइनस 6 अल्फा i हाँ 6i इज इक्वल टू 0 यहां से हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हाँ 8 p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और यहाँ पे प्लस यहाँ पे आएगा i कॉमन कर लिया 2i कॉमन कर लिया तो pq माइनस 3 इज इक्वल टू 8 अब यहाँ से बस इतनी सी बात है ना ये वाली बात अभी शायद मैंने नहीं बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं तो यहाँ से j 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 0 8 प्लस 0 इंटू i अब यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दो तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एक इक्वेशन हो जाएगा और पी क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दूसरा हो जाएगा यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू 3 हो गया और यहाँ से आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 यहाँ से हम q की वैल्यू उठा के 3 बाई पी पुट कर देते हैं तो यहाँ पे डाल दे उठा के एक तो सबको दिख रहा है 3 और कॉमा 1 बिल्कुल निकल जाएगा तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू की जगह पे 3 बाई पी का होल स्क्वायर पुट हो गया इज इक्वल टू 8 सॉल्व करो पी की वैल्यू निकल के आएगी जितनी वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपका 3 और 1 ही आएगा ज्यादा भी आ सकती है ठीक है ना तो वो सारी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे डाल देंगे बस ये ध्यान रहे कि पी और क्यू क्या चीज आनी चाहिए ये हाँ 3 और 1 सेटिस्फाई कर रहा है 1 और 3 भी कर रहा है नहीं 1 और 3 नहीं कर रहा है 3 और 1 हाँ माइनस 3 माइनस 1 कर रहा है अरे बात समझ में तो इस तरह की चीजें है आप देखना बस पी और क्यू रियल होना चाहिए बाकी जो भी वैल्यू निकालनी है सब निकाल हाँ उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो अगला सवाल लेते हैं सवाल नहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पड़े हाँ सब करेंगे सब करेंगे ठीक है ना अगला हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेनिक प्लेन। यहाँ पे जो आर्गेनिक प्लेन है इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट, जो ही कोऑर्डिनेट वाला कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में ही बात होती है। हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट प्लेन के ही बारे में बात होती है। अच्छा बताया था हमें, अच्छा तो ये चीज आपका यहाँ पे भी हो जाएगी। जैसे जेड इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है, इसी वजह से मैं अभी बताता हूँ कि क्या चीज इसमें एक चीज नहीं होता है, कभी फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ कई बार ऐसे लिखा जाता है जेड को, मोस्ट ऑफ द अपने सीट में मैक्सिमम क्वेश्चन को जेड को आपका लिखेगा एक्स कामा वाई, ठीक है ना। कुल मिला के ऐसा समझो कि जेड प्लस एक्स वाई को ऐसे है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को यहाँ बोला जाता है क्या, रियल एक्सिस, और यहाँ पे बोला जाता है इसको इमेजिनरी एक्सिस, और नाम से ही क्लियर हो गया इमेजिनरी एक्सिस। मतलब ये इमेजिनरी प्लेन, ठीक है ना, जो है नहीं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता तो क्या होता, सब हवा में सब सोच मतलब कल्पना में चल रहा है कि होता तो क्या होता, और इसके चक्कर में इतना सारा ये इतनी बड़ी ब्रांच डेवलप हो गई है कि होता तो क्या होता। आदमी सपने में इतना सब इसको देख डाला है कि इसका इंटीग्रेशन सब कर डाला है, कॉची इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, इसके इतने सारे चीज, इतनी ब्रॉड मतलब इतनी ब्रॉड हो गई है, ये हर जगह आ चुका है, खुद में अपने आप में एक सब्जेक्ट है ये। तो ये अपने पास अब इसी ही इमेजिनरी एक्सिस का मतलब y की वैल्यू इस पे डिनोट होगी और x की वैल्यू इस पे चलेगी। अब जैसे कोई भी कहेगा कि x प्लस आई वाई, यहाँ पे मैंने कहा कि ये x प्लस आई वाई है, इसका मतलब कि x एक्सिस पे चला होगा x यूनिट और y एक्सिस पे चला होगा कितना, y यूनिट। और ये सिंपली आप देखे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट में ऐसा होता है, और ऐसी चीज को इसीलिए डिनोट करने का दूसरा तरीका है इसको x कामा वाई। और यहाँ पे मैक्सिमम अपने सीट में, इस सीट में मैक्सिमम जगह x प्लस आई वाई को x कामा वाई के रूप में लिखा हुआ है। तो आप ये मत समझना कि x का y लिखा हुआ है तो पॉइंट लिखा हुआ है। अरे बस एग्जाम में आएगा तो वो भी जैसे वो चाहे तो ऐसे लिख सकता है या इस फॉर्म में लिख सकता है। हाँ हाँ वो तो x प्लस आई वाई लिखा रहेगा, सिर्फ x प्लस आई वाई का ये स्टैंडर्ड है कि x का y लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल यही काम है। अच्छा अगर ऐसा है तो एक चीज बताओ, अगर ये x कामा वाई है, अगर ये ओरिजिन है 0,0, तो जरा बताओ यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या? क्या है ये डिस्टेंस जरा बताओ, तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ रही है। और इसी को मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ जो भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसी को कहा जाता है ये मॉड जेड है। अरे बात समझ में कैसे आया कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसी को कहा जाता है मॉड जेड, ठीक है। और जरा देखो, अगर मैंने कहा कि ये जो इसको मिलाने वाली लाइन है अगर वो एंगल थीटा बना रही है, अरे बात समझ में, तो ये बताओ x इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो ये मॉड जेड कॉस थीटा, मॉड जेड कॉस थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड जेड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मॉड जेड कॉस थीटा। साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो वाई अपॉन मॉड जेड हो जाएगा और ये वैल्यू हो गए मॉड जेड साइन थीटा। अब जो ये थीटा है, थीटा को अभी बाद में बताऊंगा, वैसे फिलहाल में बस नाम आप जान लो कि थीटा को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं, दो ही नाम होता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट मतलब कहाँ एम्पलीट्यूड का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हाँ नहीं, कई जगह आपका वो बोल देता है सवाल पूछने वाला कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये दो बात इसका थीटा है। जो मॉड जेड है ये कहलाता है इसका मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ जेड, यानी ये हो गई आपके डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ। अच्छा ये आप जान लेते हैं कि जो ये होता है ना ये पॉइंट होता है, एक्चुअल में ये पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन होता है, पॉइंट इन आर्गेंट प्लेन होता है, इसीलिए ये जो मॉड जेड है ये मॉडुलस ऑफ जेड या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ जेड
फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होती है ए कहलाती है आपकी मॉड जेड। ओवरऑल आपके सामने यही बात आई हुई है, जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा है, अगर मैं इसकी थीटा की बात करूं तो यहां से आपको सबको दिख रहा होगा कि टेन थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है वाई बाई एक्स। तो जो आर्गुमेंट होता है वो आप लिखा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। मॉड क्यों, ये सब चीजें बाद में अभी बताऊंगा, सिर्फ यहाँ तो हम नोटेशन में लिख लें कि ये सब चीजें हैं। अरे ये सब जो आर्गुमेंट होता है ये सब रेडियन में चलता है ना सर? हाँ रेडियन में चलने वाला है, ठीक है ना। टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स इसके आपका आर्गुमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके रिप्रेजेंटेशन में तो आर्गेन प्लेन पे ये सब चीजें हो गया। आर्गेन प्लेन में अगर मान लो कि कोई है अपने पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं मॉड जेड कॉस थीटा एक्स के जगह पे प्लस आई मॉड जेड साइन थीटा, यानी फाइनली जेड इज इक्वल टू निकल के आ जाता है मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका आर्गेंट प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। ये तो आपको आर्गेंट प्लेन पे आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो बस बेसिक फॉर्म, इसको भी इसी को कहा जाता है पोलर फॉर्म। आपको याद होगा कौन कोऑर्डिनेट में, याद है ना कोऑर्डिनेट में आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा यही है आपका। अरे तो यही इसी को कहा जाता है पोलर फॉर्म, ठीक है।